असल में एक इंसान है जो अपने आप को मुसलमान भी कहता है और मुसलमानों की हर एतबार से दिल आज़ारी करता है, ख़ासकर हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है और हमारे मज़हब की भी तौहीन करता है। तो उसके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर गम गुस्सा है, सारे लोग उसके ऊपर भड़के हुए हैं। तो हमारे शहर मुंबरा के अहले तशी हजरात एक मेमोरेंडम देने के लिए आए थे यहाँ पुलिस चौकी के अंदर कि उसके ऊपर FIR हो। तो उन्हीं की ताईद में, उन्हीं की हिमायत में हम लोग भी आए हैं और हम उनसे ये कह रहे हैं, जैसे अयाज़ भाई हैं और उनके जमात के और जो रहनुमा हैं जो यहाँ आए हुए हैं, हम उनके साथ उनके कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और हमने कहा है कि आप कहीं भी जाइए, हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे और हम आपका साथ देंगे और वसीम रिजवी मलून के ऊपर FIR होनी चाहिए। मौलाना, जिस तरीके से लगातार यहाँ पे इस तरीके की हरकत हो रही है, उसके बावजूद भी हुकूमत अभी तक कोई लगाम नहीं लगा पाई, क्या कहेंगे उसको लेकर? आप हजरात तो सहाफ़ी हैं, आप तो मीडिया से हैं, आपको मालूम है कि हुकूमत इतनी ज़्यादा हुकूमत के अंदर इतना ज़्यादा तकब्बुर और गुरूर आया हुआ है कि हुकूमत कोई बात किसी की बात मान नहीं रही है। वो हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं तो पूरा हिंदुस्तान हमारा हुआ है। वो उनका घमंड, उनका गुरूर इंशाल्लाह टूटेगा। हम लोगों का एहतजाज जारी रहेगा, पूरे हिंदुस्तानियों का एहतजाज जारी रहेगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका गुरूर टूटेगा और उनकी ये जो उनका जो ये जुल्म है ये हिंदुस्तान से ख़त्म होगा, हिंदुस्तान फिर इंशाअल्लाह अमन व अमन का गहवारा बनेगा। कहीं ना कहीं मुनाफिरत फैलाने के लिए हुकूमत की कोई साजिश तो नहीं है? साजिश ही है, आप जो भी कहिए हुकूमत के लिए वो सब कुछ कम है। हुकूमत उससे भी ज़्यादा साजिश कर रही है और सिर्फ हुकूमत चलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रही है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आपस में लड़ा रही है। ये हुकूमत का यही काम है। देखिए, वसीम को वसीम रिजवी ना कह के वसीम रुश्दी कहना चाहिए। वजह यह है कि एक सलमान रुश्दी पैदा हुआ था, दूसरा ये वसीम रुश्दी पैदा हुआ है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और कोई मुसलमान तो छोड़िए, हमारे साथ आज के शिष्टमंडल में हिंदू भी हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी को एक मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसका मुजाहरा आज हो गया है। यहाँ पर तमाम मसलक के लोग, शिया, सुन्नी, तबलीगी, देवबंदी, अहले हदीस, हिंदू, तमाम हमारे दलित भाई भी सारे लोग यहाँ पर इसमें शामिल हुए। हम लोगों ने एक शिष्टमंडल की शक्ल में चौरे साहब को अपना निवेदन दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मौलाना साहब ने भी उस पर उनसे कहा कि इस पर कार्रवाई होगी तो एक अच्छा मैसेज मुमरा कौसा में जाएगा कि हाँ, इस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलने वाले को मुमरा पुलिस स्टेशन ने भी सीरियसली लिया है और उस पर FIR दर्ज किया है। हमें उम्मीद है कि मुमरा पुलिस स्टेशन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेगी और हमारी भावनाओं को जो ठेस लगी है, जो हम लोगों को शदीद जो है तकलीफ़ हुई है, उसका एहसास करते हुए वो जल्द से जल्द इस पर FIR दर्ज करेगी। आज आप लोग जब यहाँ पर पहुँचे थे उस टाइम पर कुछ पोस्टर लेकर आई थी महिलाएं और कुछ पुलिस की तरफ से भी आपको रोका गया, कुछ घोषणाबाजी हो रही थी, क्यों रोका गया? आपने जो निवेदन दिया है उसमें क्या मांगनी की थी, क्या नारेबाजी नहीं लगा? देखिए, हमारा कोई आंदोलन का प्रोग्राम वोग्राम नहीं था। हम लोग एक उलमाओं के साथ एक शिष्टमंडल के तौर पर, तमाम लोगों के साथ एक 25 लोगों का शिष्टमंडल हमारा
कमिटमेंट था मुमरा पुलिस स्टेशन को। परमिशन आपको नहीं मिली थी? नहीं, हमने सिर्फ शिष्टमंडल की परमिशन ली थी, हमने कोई मोर्चा नारेबाजी को, ये लोग आ गए तो किसी की को हम रोक नहीं सकते। पब्लिक अगर आ गई, पब्लिक अपना मुजाहरा पेश कर रही, तो हम उसको कैसे मना कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये जो था हमारा शिष्टमंडल था, जिसमें माशाल्लाह से जितने लोगों को हमने बुलाया था वो सारे शामिल हुए। और शिष्टमंडल को ढंग से हमने सीनियर साहब को भी बता दिया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं, आप लोगों ने नहीं, नहीं हमने नहीं बुलाया था कि अवाम को हम नहीं हम समझा सकते हैं, अवाम की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो कोई कहीं पर भी आ सकता है। हर आदमी चाहता है कि वो अपने अपने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आके खड़े हो जाए, तो इसलिए उनका उनका किया हुआ कदम को हम गलत भी नहीं ठहरा सकते और सही भी नहीं कह सकते। मुफ्ती बाजी साहब, क्या वसीम रिजवी पिछले कई सालों से कुरान करीम के ख़िलाफ़ कभी कभी उलमाओं के ख़िलाफ़ और अब हद बढ़ गई है नबी पाक सल्लम की शान के ख़िलाफ़ उसने कदम उठाया, और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस मुल्क में ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया गया है। सलमान रुश्दी हो, उसको मुल्क बदर किया गया, तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश से मुल्क बदर थी, यहाँ पर उनको पनाह देने की कोशिश हुई, उसके ख़िलाफ़ मुसलसल आवाज़ उठी, उनको भी भगाया गया। इसके अलावा कमलेश तिवारी ने अल्लाह के नबी सल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसको उन्हीं के लोगों ने मार दिया, उसके खिलाफ़ पूरे मुल्क में FIR हुआ था। तो अब वसीम रिजवी इस मुल्क में पनप सकते हैं, अगर कोई दुश्मन ताकत ये चाहती है कि इसके ज़रिए से मुसलमानों को या इस्लाम को बदनाम करें, तो ये मुमकिन नहीं है। मुसलमान ज़िंदा हैं, एक ज़िंदा कौम है, मुत्तहिद होकर के इसका मुकाबला करेंगे। नबी पाक सल्लम सबके नबी हैं, सारी इंसानियत के नबी हैं, सारी इंसानियत की मोहसिन है, उसमें हिंदू मुस्लिम की तफरीक नहीं है। आप सारे इंसानों के लिए नबी बना करके भेजे गए हैं, इसलिए तमाम हिंदुस्तानी और पूरे तौर पर महाराष्ट्र में कई हिस्सों में क्या कहते हैं बामसेफ की तरफ से और दलित तंजीमों की तरफ से भी वसीम रिजवी के मामले को लेके और त्रिपुरा में जो नबी के शान में गुस्ताखी हुई है उस मामले को लेके एहतजाजात हुए हैं और होते रहेंगे। और इसी सिलसिले में यहाँ पर हम लोग आए थे और उसको अच्छे से सुना है। हमने ये मांग की है कि खाली निवेदन पर हम इक्तफा नहीं करेंगे, आप जल्दी से जल्दी अपने कमिश्नर से ज़िला अधिकारियों से बात करके उस पर बाकायदा यहाँ पर FIR लें, ताकि यहाँ पर एक बड़ा मुस्लिम शहर है, यहाँ बड़ा गम और गुस्सा है, अगर वो बाहर फूटेगा तो उससे नुकसान होंगे। अगर लीगल कार्रवाई होगी तो लोगों को सब्र तलकिन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ का प्रशासन जो है उसके खिलाफ़ हमारे साथ खड़ा हुआ है, इसलिए कोई ऐसे इकदाम ना उठाया जाए। ये हमने उनको मैसेज दिया है।